ब्रह्मा ब्रह्मचारिणी, फूल पत्ते खाकर क्यों की हजारों साल की तपस्या, महादेव से क्या है कनेक्शन, विद्यार्थियों को क्यों करनी चाहिए माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा। जय माता दी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे नवरात्रि स्पेशल वीडियो में। मैं हूँ आपके साथ अनुष्का सिंह। दर्शकों, नवरात्रि का दूसरा दिन माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप को समर्पित होता है और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर माँ ब्रह्मचारिणी कौन थी, उनका शिव जी से क्या संबंध था और चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन आप उनकी पूजा कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दर्शकों, माँ ब्रह्मचारिणी को ज्ञान, तपस्या और वैराग्य की देवी कहा जाता था और खास बात ये कि माँ ब्रह्मचारिणी को देवी पार्वती के अविवाहित रूप में पूजा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार देवी पार्वती ने दक्ष प्रजापति के घर ब्रह्मचारिणी के रूप में जन्म लिया था। देवी पार्वती का ये स्वरूप किसी संत के समान था। एक बार उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने और भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या करने का प्रण लिया था। इसी कारण से उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ गया। माँ ब्रह्मचारिणी की तपस्या हजारों वर्षों तक चली। भीषण गर्मी, कड़कड़ाती ठंड और तूफानी बारिश भी उनकी तपस्या का संकल्प नहीं तोड़ पाई। कहते हैं कि देवी ब्रह्मचारिणी केवल फल फूल और पत्तियां खाकर ही हजारों साल तक जीवित रही और जब भगवान शिव नहीं माने तो उन्होंने इन चीजों का भी त्याग कर दिया और बिना भोजन एवं पानी के अपनी तपस्या को जारी रखा। पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण उनका नाम अपर्णा पड़ गया। आपको बता दे, देवी ब्रह्मचारिणी की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान देते हुए कहा कि तुम्हारे जैसा कठोर तप आज तक किसी ने नहीं किया, भगवान शिव तुम्हें पति के रूप में जरूर मिलेंगे। तो ये थी माँ ब्रह्मचारिणी की कहानी। माँ ब्रह्मचारिणी सफेद वस्त्र धारण करती हैं, उनके दाहिने हाथ में एक रुद्राक्ष माला होती है और बाएं हाथ में कमंडल होता है। रुद्राक्ष को उनके वनवासनीय जीवन में भगवान शिव को पति के रूप में पाने की तपस्या से जोड़कर देखा जाता है। तो आइए अब बात करते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि के बारे में। के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा पीले या सफेद वस्त्र धारण करके करनी चाहिए। इस दिन देवी को सफेद वस्तुएं अर्पित करने से भाग चमक उठता है। साथ ही माँ ब्रह्मचारिणी को अब मिश्री शक्कर या पंचामृत का भोग लगा सकते हैं और पूजा के समय माँ ब्रह्मचारिणी के लिए आप ओम ए नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। कहते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा और इनकी साधना से जीवन की हर समस्या और संकट दूर हो जाता है। खासकर विद्यार्थियों के लिए माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा बहुत ही फलदायी मानी जाती है, तो सभी विद्यार्थी माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अवश्य करें। तो दर्शकों, आप सभी भी माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा पूरे विधि विधान के साथ करें, माँ का आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय माता दी।